हेलो मैकेनिक दोस्तों, आज हमारे पास शोरूम में कस्टमर लेकर के आए हैं ग्लैमर BS6 FI वाला एक्स टेक वाला वेरिएंट है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे हमारा जो है वो फुल्ली डिजिटल मीटर है। चलिए हम चाबी को ऑन करके दिखा देते हैं, इसमें आपको कौन कौन से फीचर्स मिलने वाला है। तो जैसे हमने चाबी को ऑन किया, यहाँ पे आपको यार चेक इंजन लाइट का सिंबल देखने को मिल रहा होगा, साथ में इंडिकेटर भी है। बट अगर यहाँ पे देखा जाए तो ट्रिप वन दिख गया, ट्रिप टू, और साथ में यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्ट भी दिख रहा होगा। इससे पता चलेगा कि जब भी आप कहीं जा रहे हो तो आप अगर अपने मोबाइल से कनेक्ट कर दिए और मैप इस पर दिखाया जाएगा। उसका वीडियो हमने अलग बना रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। अब कस्टमर का कहना है कि गाड़ी में जो है हमारा बजर नहीं लगा हुआ है, जब हम इसके इंडिकेटर साइड इंडिकेटर को जलाते हमारी गाड़ी आवाज़ नहीं करता है। तो आपको पता होगा कि इस ग्लैमर में फ्लैशर इंस्टॉल नहीं किया गया, तो फिर भी कस्टमर का कहना कि हमें ब्रेजर लगा के देना होगा। तो चलिए आपको बताएंगे कि ब्रेजर किस तरह से लगाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके सीट को ओपन करते हैं। अब चलिए हम इसके सीट को ओपन कर लिए हैं। तो इस गाड़ी में आपको कहीं भी फ्लैशर देखने को तो नहीं मिलेगा, बट जब कस्टमर का कहना कि हमें बजर लगा के देना ही होगा तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो दो साइड इंडिकेटर देखने को मिल रहा है उसका वायर यहाँ पे रहता है, इसी वायर में हमें दोनों बजर को क्या करना है, इंस्टॉल कर देना है। अब चलिए हम इंस्टॉल करने का तरीका बताते हैं। अब क्या करना है, आपको इन जितने भी इंडिकेटर के वायर है उसको हम पहले बाहर निकाल लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने इसको बाहर निकाल लिया। अब चलिए हम इसमें ब्रेजर को इंस्टॉल करते हैं, फिट करो। तो जो पॉजिटिव वाला वायर होता है उसमें हम रेड कलर के वायर को इंस्टॉल कर दिए हैं, आप इसको फिट कर देंगे। और जो नेगेटिव वाला हो तो अर्थिंग का आपको देखने को मिल रहा होगा ग्राउंड वाला, तो उसमें हम इसको भी फिट कर दिए। तो देख सकते हैं एक साइड का हमारा इंडिकेटर है वो जलना शुरू हो चुका है, अब दूसरा वाला भी हम कर लेंगे। अब चलिए दूसरा वाला ब्रेजर को भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, इस गाड़ी में फ्लैशर नहीं लगा हुआ है, तो जब कस्टमर जिद करे तो आपको क्या करना है, जहाँ पे गाड़ी में फ्लैशर लगा रहता है वहाँ पे एक ब्रेजर का इंस्टॉल हुआ होता है, बट इस गाड़ी में ब्रेजर नहीं है तो यहाँ पे दो ब्रेजर का इंस्टॉल करना पड़ेगा। कुछ इस तरह से हमने इसका वायरिंग कर दिया है। अब चलिए हम इस गाड़ी को कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ सीखने लायक चीज़ मिला होगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर